सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए क्योंकि आज का कैमरा एंगल आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज ही दोस्तों बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरा जो कैमरा लेंस है, मोबाइल का जो लेंस है, वो लेंस मेरा आ चुका है, वाइड एंगल लेंस। और ये वीडियो जो शूट हो रहा है ये उसी लेंस से ही शूट हो रहा है। दोस्तों, तब तक मज़ा नहीं आता है जब तक हैंडल बार ना दिखे, मोटरसाइकिल का हैंडल बार ना दिखे। और मेरे पिछले किसी भी वीडियो में हैंडल बार नहीं दिखते थे। यहाँ पे हाथ भी दिख रहा है मेरा और ऊपर का रोड का व्यू भी दिख रहा है। मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मेरा बस यही इसी एक चीज़ की कमी थी और इसी चीज़ के कमी को अब फ्लिपकार्ट ने मेरा पूरा कर दिया है। और फाइनली मेरे पास मेरा लेंस आ चुका है और ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो शूट हो रहा है, ये उसी से हो रहा है। दोस्तों, जो नए ब्लॉगर होते हैं उनके लिए एक्शन कैमरा परचेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 10,000 15,000 से एक्शन कैमरा शुरू होता है, जो कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। और वैसे भी मैं तो कहूँगा कि आपको एक्शन कैमरा परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले कैमरा एंगल इतना बढ़िया नहीं आ रहा था जितना इस समय में आ रहा है, क्योंकि पहले हैंडल बार नहीं दिख रहा था और हैंडल बार दिखा था तो रोड नहीं दिखता था। और इस समय में हैंडल बार भी दिख रहा है और आगे का रोड भी हम दिखा पा रहे हैं पूरी तरह से। ये जो वाइड एंगल लेंस है दोस्तों, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 400 से 450 के अंदर ये आपको पड़ जाएगा और बेटर परफॉर्म करता है। मैं तो जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ही इसका परफॉर्मेंस मैंने देखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया परफॉर्म करेगा, लेकिन आप व्यू देख सकते हैं, ये तो रात का समय है, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है। और दिन के समय के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, मैं दिन के समय का कुछ फ़ोटो क्लिक किया है मैंने, आप देख सकते हो। ये सब फोटोज़ मैंने दिन के समय में क्लिक किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। वैसे आप इसको लेकर के चला सकते हैं अपना काम, अगर आप बिगनर हैं तो, और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं एक्शन कैमरा 10,000 15,000 का, थोड़ा बेटर परफॉर्म करने वाला आपको मिल ही जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे। तो ये जो वाइड एंगल लेंस है, इसको मैंने पहले अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था। अमेज़ॉन पे ऑर्डर करने के बाद अमेज़ॉन की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आया और लगातार मैं देखता रहा, उसमें OFD का SMS आ रहा था, जैसे आउट फॉर डिलीवरी का जो मेल आता है, वो मेल मेरे पास 2-3 दिन आया। आने के बाद भी फिर मैंने कॉल किया अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन कस्टमर केयर सेंटर में मैंने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद अमेज़ॉन कस्टमर सेंटर से मुझे बताया गया कि आपका ये जो पार्सल है ये कल ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मैं एक और दिन इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी मेरा वो पार्सल जो है वो नहीं आया, वाइड एंगल लेंस जो मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं आया। और फिर मैंने फ़्लिपकार्ट में इसको ऑर्डर कर लिया, फाइनली मेरा वाइड एंगल लेंस अब प्रोवाइड हो गया है, मुझे मिल गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी समय हुआ है मेरे ख्याल से 9:35 हुआ है, और घर से काफ़ी दूर हम आ चुके हैं, बिल्कुल मार्केट के अंदर आ गए हैं। लेकिन अभी मार्केट में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी इस समय में मार्केट टोटली बंद हो चुकी है, मार्केट की दुकानें सब बंद हो गई होंगी, तो फालतू में मुझे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो पुल है, पुल के ऊपर से घूम के फिर वापस आ जाते हैं, रिटर्न चले जाएंगे।
यार कम से कम मूंगफली तो मिल जाती इतने दूर आने के बाद। वाह, ये जगह ही मुझे हमेशा से पसंद है। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का, इस जगह का। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमको यू टर्न लेना है। ये जो पुल है ये रुद्रपुर का पुल है। पिछले एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, यहाँ का नज़ारा कुछ इसी तरह का रहता है। हमेशा ऐसा ही रहता है, सजावट इस पुल के ऊपर और पुल के दोनों बगल सजावट ऐसी ही रहती है हमेशा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब घर की तरफ। अपाची वाला पैर उठा के चला रहा है। बगल से एक अपाची को हमने क्रॉस किया है वाइट कलर की, तो उसका जो बाइक चला रहा है वो अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा करके चला रहा है। दोस्तों आज का व्यू मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इस समय में, दिख रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जो भी है मैं आज के व्यू से काफ़ी खुश हूँ, इसलिए क्योंकि वाइड एंगल लेंस ने जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही काम किया है। ये क्या है आगे? अच्छा ये ट्रैक्टर है। ओह शिट, एक फॉग लाइट पीछे लगाया है इसी वजह से दिख नहीं रहा था कुछ भी। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मेरी तरफ से सजेशन है आप लोगों को कि अगर आप नए ब्लॉगर बनना चाहते हैं या आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इस समय में GoPro मत परचेज कीजिए। शुरुआत है आपका, चैनल मोनेटाइज अगर नहीं हुआ है तो आपको GoPro लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको इस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, अभी आपने देखा होगा कि उसमें कैसा व्यू मिलता था, और इसमें इस वीडियो में मुझे बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है। मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आपको अभी GoPro लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप YouTube से अच्छा खासा इनकम कर रहे हो तो आप GoPro ले सकते हो, और अगर आप बिगनर हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको मैं तो कहूँगा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है इस समय में। आप जिस तरह से अपने मोबाइल से ही आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।